अगर इसकी घरवाली इसके कहने से वोट दे देगी ना, हम अपनी गलती मान लेंगे और हम हार मान लेंगे। इसका गला वोट देगा कौन? मारा रोड है कौन बनवा, मारा तो तोड़ कर दिया उसने। मैंने तो रोड की बात है, पानी मारा बंद करवा दिया। इतनी पूछ लो घर, इस पर पूछ के सब्जी बनाओ। इनका घर पूछ के बना कर, इनका घर मैंने पूछ के बना। इसके पास पर्ची नहीं है, वो चौधर करा है। जिसके पास पर्ची नहीं है बोले वो चौधर करे। कैया ने इन्हें ग्रह कुल पूछ दिन मैंने पूछा है, इन्हें कुल पूछ दे, वो मैंने कुल पूछ दे कुछ भी ये रिजेक्ट कर रखे। बाहर का हल्का का बोला, हम हमारे हल्के की बात करा। ये फुद्दू गर्म ना हो ना, फिर आराम से आप बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग उमरा गाँव में और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ताश का आनंद ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इनसे बात करेंगे हम, जाकर उनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है, हांसी में जो वर्तमान में विधायक उनको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है और क्या कुछ है माहौल। हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, टाइम पास भी कर रहे हैं, चाय की चुस्की भी यहाँ पर ले रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कुछ यहाँ पर सो रहे हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से कि माहौल क्या है गाँव में, इस बार परिवर्तन होगा या एक बार फिर से भाजपा रिपीट होगी। बात करते हैं भाई साहब, नमस्कार। बताओ जी, क्या बात है, आपने तो सीधा ही पहले अंगली कर दी। हाँ जी, आप बताओ जी। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ चुनाव आपका? माहौल का बेरा बताओ जी। सारे आपके ऊपर रख दिया इन्होंने, मतलब बड़े बुजुर्ग है, मतलब उनसे शुरुआत करो। बात यूँ है जी, सबका बराबर है माहौल है, यहाँ कोई एक तरफा इलेक्शन नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, दो बार दूसरा कार्यकाल है, क्या तीसरी बार रिपीट होगी बीजेपी या कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा? ना ना, बीजेपी तो मतलब हरियाणा में नहीं आओगी, बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा नुमाइंदा है, कांग्रेस में कौन से मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप लोग कांग्रेस का? भूपेंद्र हुड्डा ने। भूपेंद्र हुड्डा ने, हाँ। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री देगा। ईसा आशी से अगर बात करें तो विधायक कौन बने? आशी से, आशी से टिकट के ऊपर बात है जी। टिकट के लिए तो दौड़ में तो बहुत सारे नाम हैं, कम से कम 10 आदमी है टिकट की दौड़ में जी। उधर देखो, हाँ जी, अगर ये राहुल मकरनागर, राहुल मकरनागर टिकट मिला है तो बिल्कुल आराम से बनता है। अच्छा, राहुल मकड़ को टिकट मिलता है तो आराम से बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल बनता है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे कौन है? नहीं पूछ ले यार, क्यों पूछ लेंगे। एक मिनट भाई साहब, आप रुको एक बार, भाई साहब एक मिनट आप रुको। अच्छा ठीक है, जैसे कि पूछ ले यार, कल नहीं नहीं कोई नहीं, ये बोलने तो ना, आप अपनी प्रतिक्रिया तो दो। अच्छा, राहुल मक्कड़ उसके साथ, हाँ बाबूजी उसकी पर्ची भैरी सब उसे ना पूछ ले। अच्छा, वो लग रहा बता। अच्छा भाई साहब, क्यों गर्म हो रहे हो, क्यों गर्म हो रहे हो आप? तेरे मसाला ले तू ना, मुंह बता दे तू। बाहर का हल्का का बोला, हम हमारे हल्के की बात करा। ये फुद्दू, अच्छा गर्म ना हो ना, फिर आराम से आप बात कर रहे हैं भाई। ग्रामीण हल्का तो कैंडिडेट कांग्रेस का, पत्रकार भाई है अपना वर्गे यार, आप आराम से लड़ो ना, आराम से बताओ ना, मतलब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे हम भी प्रतिक्रिया दे, लड़ते को नहीं। अच्छा ये बताओ, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी और बिल्कुल पक्की आएगी और बनाना भी चाहते हैं गाँव वाले हर कांग्रेस के साथ है। अच्छा, हाँ जी, टिकट किसी को मिलो या ना मिलो। अच्छा, हाँ जी, तो जैसे ना टिकट की दौड़ में बहुत सारे हैं, कई बार ये भी होता है ना कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, ये नहीं बता सकते दौड़ में कौन है, कौन किस कांग्रेस मतलब कमेटी जो ऊपर से जिसको भी देगी ना टिकट, हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, और अकेले हम नहीं, लगभग गाँव में कहीं भी जाओगे आप। तो जैसे ना कई लोगों से हमने बातचीत की, कई कहते हैं कि राहुल मक्कड़, कई कहते हैं नरेश यादव, और तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि सुभाष गोयल। इस तरह की बातें गांव के लोगों से हमने बातचीत की, लोग ये कह रहे हैं, तो पहले नंबर में कह रहे हैं कि राहुल मक्कड़, वो कितना सही मानते हैं आप? ना ना कुछ नहीं। अच्छा, तो नरेश यादव भी नहीं, सुभाष गोयल? ना ना, सुभाष गोयल भी खत्म, देहात का कोई भी कैंडिडेट। अतर सिंह सैनी? नहीं, जीरो। सुमन शर्मा ठीक है इनसे। और प्रेम मलिक? वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। आपने प्रेम मलिक और एक तरह सुमन शर्मा को आपने वो किया है? हाँ बिल्कुल। आइए, अच्छा टिकट मांगा पार्टी का कार्यकर्ता है भाई, ये तो जिसका वर्कर है ना उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ रिकॉर्डिंग है या लाइव है? इतनी पूछ लो घर, इस पर पूछ के सब्जी बनाओ। इनका घर पूछ के बना कर, इनका घर मैंने पूछ के बना। इसकी पास पर्ची नहीं है, वो तो घर करा है।
जिसके पास पर्ची नहीं है बोले वो चौधर करेगा ये ग्रह कुलपुजे ने मन पूछा है इन्हें कुलपुजे कुलपुजे कुछ भी ये रिजेक्ट करके राहुल मक्कड़ काट सका है फांसी की टिकट राहुल मक्कड़ राहुल मक्कड़ हाँ अच्छा को प्रेम पलकड़ दी निर को ऐसा है नहीं जा सकता यो अच्छा 10,000 में 7 प्रति पूरा काम तो नहीं जा सकता यो अच्छा भाई साहब 10,000 पर्ची है वो कह रहे हैं आपके नाम से 7 पर्ची को नहीं आवे आड़े तरफ खड़ा पूछ लो कितने बंदे इसके साथ किसे है कोई भी आप भी साथ नहीं हो कोई साथ नहीं इनके कोई भी कोनी कोई इसके साथ एक बंदा दिखा दो इसके घर वाले भी कोनी इसके साथ में आप भी नहीं रहा भाई यही मौका दिया कि एक आदमी आ रहा पहचान ले एमएलए से न मान लेंगे कोई एक बंदा इसके साथ दिखा दो ये पूरी तरह इलेक्शन लड़ेंगे दे दियो वोट दे दियो राय तो बिल्कुल देते हैं भाई चाची से बात कराऊंगा इससे तो वोट इसको क्या रोटी नहीं मिलेगी इसको इससे साथ वोट नहीं इलेक्शन तो लड़ ले ये मैं मेरे लिए लड्डू खाऊ है साथ वोट भी था नहीं सारे मेरे अगर इसकी घरवाली इसके कहने से वोट दे देगी ना हम तो अपनी गलती मान लेंगे और हम हार मान लेंगे इसका गला वोट देगा कौन कोई नहीं देगा कोई नहीं देगा आप बताओ जी ये बताओगे आप हाँ मैं आपको जो है आप इस रिकॉर्डिंग के कुछ सारे चलेंगे सारे देखोगे डालियो सारा के सारा आज देखेंगे और सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने ये किया कि होगी परिवर्तन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा लेकिन कई नाम है उनमें सबसे पहले अगर बात करें तो राहुल मक्कड़ जो लोगों ने बताया उसके बाद एक तरह से नरेश यादव की बात की है उसके बाद सुभाष गोयल की बात की है लेकिन बहुत सारे नाम है लेकिन कुछ ये बात कर रहे हैं कि प्रेम एक तरह से प्रेम मलिक और सुमन शर्मा की ये बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया और लोगों से हम बात करेंगे इस साइड ताऊ जी और बैठे हैं हाँ जी ताऊ जी बढ़ना अच्छा जी पार्टी किसी को भी टिकट दियो कांग्रेस की तरफ से अच्छा। वही कैंडिडेट बना कांग्रेस की तरफ से कोई भी हो हाँ कोई भी कैंडिडेट आ अच्छा। पार्टी को वोट मिलेंगे आदमी को वोट नहीं मिलेंगे पार्टी को वोट देंगे आदमी को नहीं देंगे इस तरह की बात आप बताओ जी क्या कह रहे हैं सही कह रहे हैं मैं कांग्रेस में दूंगा जी कांग्रेस में वोट कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस का कौन सा हो 10 है नेता उनमें से एक कोई बढ़िया नेता हो कौन को नरेश यादव उसको वोट अच्छा आप नरेश यादव बिल्कुल अच्छा पार्टी का फैसला होगा किसको वोट दें हाँ जी वो तो कांग्रेस का फैसला है भाई किस कैंडिडेट को टिकट देंगे कांग्रेस के ना 5-7 नाम में गिनवाओ अपना राहुल मक्कड़ नरेश यादव प्रेम मलिक सुमन शर्मा सुभाष गोयल अतर सिंह सैनी तो ये बात कह सकते हैं आप तो पार्टी के हिसाब से वोट देंगे अच्छा हाँ कोई कैंडिडेट आओ कांग्रेस का उसको डालना तो लोग अलग अलग जैसे कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी जो भेजेगी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी आएगा उसको मदद करेंगे और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ राहुल मक्कड़ का एक तरह से वो है राहुल मक्कड़ अगर कांग्रेस से आएगा तो जीत हासिल करेगा इस तरह की बातें लेकिन ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस किसको मैदान में उतारेगी कौन सा कैंडिडेट यहाँ से आएगा वो देखने वाली बात है लेकिन वर्तमान में जो विधायक है उनसे नाराज लोग दिख रहे हैं विनोद ब्याणा जी से नाराज क्यों आप लोग हाँ जी ब्याणा साहब से नाराज क्यों ब्याणा साहब से हमने मारा रोड है कौन बनवाना मारा तो तोड़ कर दिया उसकी अच्छा। मैं तो रोड की बात है पानी मारा बंद करवा दिया जी बहना से नफरत नहीं है हमने पार्टी से नफरत अच्छा बीजेपी ने हम देख के पहले बीजेपी वाला कोई भी कांग्रेस में जाता है और उसको टिकट मिलती है तो कांग्रेस कोई वोट नहीं देंगे अच्छा हम कहीं जाए किसी को भी दें अगर बीजेपी वाला कोई कांग्रेस में जाके वोट मांगे नहीं देंगे जो फिलहाल बीजेपी के वर्कर उसको नहीं मिलेगा तो पूरी अच्छी एक तरह से डिसीजन गांव के लोग लेने जा रहे हैं कुछ कह रहे थे आप नहीं मतलब हमने बता दी कि बीजेपी में जो है सरकारों की पार्टी है अच्छा हम तो गरीबों की पार्टी में रहना चाहूंगा अच्छा गरीबों की पार्टी कांग्रेस है कांग्रेस है बिल्कुल अच्छा गरीबों की पार्टी कांग्रेस है कांग्रेस में रहना चाहते हैं और बीजेपी एक तरह से वो कहते हैं ना पैसे वालों की धन दौलत वालों की पार्टी इस तरह की बात कहना है अभी जो बुजुर्गों ने बात की आप क्या समझते हैं सही बात है बढ़िया बढ़िया बात की सही बात है जम्मा बढ़िया राहुल मक्कड़ अगर यहाँ से टिकट लेके आता है तो जीत सकता है जीत जगह जीत जगह जी राहुल मक्कड़ की बात करें तो अगर यहाँ से टिकट लेके आते हैं तो जीत सकते हैं हांसी के विधायक बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल मक्कड़ के लिए ज्यादातर लोगों का इस तरह की प्रतिक्रिया है।